Good afternoon. Good afternoon, all of you. So welcome to this mentoring program, and before this we have done two lectures. So in this lecture series, basically we are discussing the various aspects of your preparation, civil services preparation, and very holistic series, because you will get to attend so many such lectures which you normally do not come across, है ना? एक lecture उसमें से आज है. Like non-academic factors in preparation. We always see, whenever we think of preparation, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ही बात आती है कि क्या content पढ़ें, कैसे पढ़ें, mains answer writing कैसे करें, newspaper कैसे पढ़ें, current affairs कैसे पढ़ें, है ना? General studies की कौन सी book refer करनी चाहिए, optional क्या रखें, optional कैसे पढ़ें, number कैसे आएंगे. We always are worried about these things only. है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वी प्लान फॉर दीज थिंग्स ओनली. है ना? हम इसी के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम इन्हीं चीज़ों के लिए कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपना बहुमूल्य समय लगाते हैं. बट कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो, एंड पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज, तो क्या इन चीज़ों के परे भी कुछ और है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर सक्सेस और फेलियर? है ना? क्या हम उन चीज़ों पर टाइम लगा रहे हैं? आर वी इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दीज थिंग्स? क्या हम कॉन्शियसली उनको प्रिपरेशन का पार्ट मान रहे हैं? दैट इज़ अ की थिंग. सी, जो मेरे बात करने का आपका ये विषय है वो यही है कि अल्टीमेटली क्या हम उसको, आर वी कंसिडरिंग दिस एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन और नॉट? कि पढ़ाई के अलावा कुछ और जो ऐसे फैक्टर हैं, क्या उनको हम अपनी प्रिपरेशन का पार्ट मान रहे हैं, नहीं मान रहे? द मोमेंट हम उनको अपनी प्रिपरेशन का पार्ट मानने लग जाएंगे, तो आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हम विजुलाइज करते हैं कि वो होगी. आई विल गिव यू कंक्रीट एग्जांपल्स कि कैसे ये फैक्टर्स जो हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपकी पढ़ाई है, जितने आपका कंटेंट है, क्योंकि इन फैक्टर्स के बगैर आप पढ़ भी नहीं सकते, राइट? तो जैसे एकेडमिक, व्हेन वी टॉक ऑफ एकेडमिक प्रिपरेशन, तो उसके अंदर कंटेंट आता है, उसके अंदर स्टडी की स्ट्रेटजी आती है, उसके अंदर कैसे नोट्स बनाएं, कैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ें, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज कौन सी देनी है. तो ऐसी कई चीज़ें आप दिमाग में लेके आते हो. डेफिनेटली इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. इज आर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट? ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, ये सारे कंटेंट रिलेटेड चीज़ें आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन का पार्ट बनती हैं, राइट? अब लेकिन अब क्या सिर्फ ये चीज़ जानना ही क्या अनफ है? इज इट, इज नोइंग ऑल दीज थिंग्स अनफ? शुड आई टॉक ऑफ ऑल ओनली दीज थिंग्स? क्या मैं इन्हीं चीज़ों की बात करूँ? क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं कोई? तो कैन, जो अब बच्चे क्लास लगा रहे हैं, आई थिंक दे शुड नाउ आंसर मी कि इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आप इंपॉर्टेंट समझते हो कि हाँ प्रिपरेशन का पार्ट होने चाहिए. क्या प्रिपरेशन का पार्ट होने चाहिए? कोई ऐसा फैक्टर बताइए. विच फैक्टर? और विदाउट दोज फैक्टर्स योर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट. आप प्रिपेयर भी अच्छे से नहीं कर पाओगे. लर्निंग टू मेंटेन टेम्परमेंट, पेशेंस, ओके, और बोलो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वेरी गुड, और लिखो. पीआर स्किल्स, मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप अपने फ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड से कैसे रिलेशनशिप मैनेज करो, और मोटिवेशन, वेरी गुड, डिसिप्लिन, गुड. अब आप ये बताओ, आपने फैक्टर्स तो मुझे बता दिए, आप सब तैयारी कर रहे हो, आपने कितनी कितनी कॉन्शियसली इन चीज़ों पे काम किया? क्या आपने इस चीज़ पे काम किया कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ? क्या आपने इसके लिए किसी से काउंसलिंग ली, किसी से ट्रेनिंग ली कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करूँ?
कैसे अपनी मोटिवेशन को मेंटेन करूं, कैसे मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट करूं अपनी, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं। हम कोचिंग ले रहे हैं, आप यू मे बी एनरोल्ड इन डिफरेंट जनरसिटीज कोर्सेज, आप जनरसिटीज की कोचिंग ले रहे हो, कि क्या हमने इनके लिए स्पेशली कोई कॉन्शियस एफर्ट किया? तो इस मेंटरिंग प्रोग्राम जो आपका चल रहा है, जो मैं कर रहा हूं, है ना, बिकॉज इट्स माई स्पिरिट, इट्स माई सोल, बिकॉज इट्स आई हैव बीन बिलीविंग ऑन दिस थिंग एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस, दैट सिर्फ पढ़ाई करके, सिर्फ किताबें पढ़ के कोई आईएएस नहीं बनता। आईएएस बनता है जब कोई बंदा, बच्चा होलिस्टिकली तैयारी करता है, अपने आप को भी मैनेज करता है, क्योंकि वो जो सेल्फ मैनेजमेंट है या अपनी जो मैनेजमेंट है, वो दैट हेल्प्स यू इन नॉट ओनली इन प्री, देन इन मेंस, देन इन इंटरव्यू, कहीं ना किसी स्टेज पे वो काम आती है आपके, है ना। तो अपने आप को होलिस्टिकली तैयार करना ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना। तो इन मेंटरिंग लेक्चर्स में वी विल डू न्यूमरस सच लेक्चर्स, मैं कंसंट्रेशन पे भी लेक्चर करूंगा कि कैसे लेक्चर आपने अपनी कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे अपने आप को आप कंसंट्रेटेड रख सकते हो। देयर आर वेरी स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस, आप वो मेरे साथ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस फ्यूचर में करोगे, सो दैट कि आप अपनी, आप देखोगे खुद को कि आज आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो और कल को भी आप 6 घंटे पढ़े, लेकिन आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइजेस आपके वो ये 6 घंटे जो अगले दिन आपने पढ़े वो 10 घंटे के बराबर हैं, इतनी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, इतना आपको लगता है कि आई एम मेमोराइजिंग थिंग्स नाउ, कहाँ लगता था कि मेरे को सब कुछ भूल जाता है, मैं आई स्टडी नाउ एंड आई फॉरगेट आफ्टर 5 मिनट्स, आई फॉरगेट आफ्टर 10 मिनट्स, या एक दिन बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। बट बाई डूइंग स्मॉल एक्सरसाइजेस विच वी हैव प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड ऑन स्टूडेंट्स एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, और वो एक्सरसाइजेस हम करेंगे एंड वी विल प्रिपेयर इफेक्टिवली, है ना। अब यू मे बी सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ दीज कंडीशंस, आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि आपको कुछ याद नहीं रह रहा, या आप कंसंट्रेशन लूज कर रहे हो, आप मेमोरी, आपको लगता है कि मेरी तो मेमोरी नहीं है, बाकी सब कुछ याद कर रहे हैं, मेरे को याद नहीं हो रहा, आप पढ़ने लगते हो आपको नींद आने लग जाती है, अब इसमें एकेडमिक क्या करेगा, आप बैठे हो, यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, सेल्फ एस्टीम, कहीं ना कहीं मन में छुपी हुई भावनाएं हैं कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, मेरा दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, जो आप चीज़ें, ये चीज़ें जनरली हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, ये चीज़ें आपके अंदर हैं, है ना, ये चीज़ें हमारे सबके अंदर हैं, और हम कई बार ये बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते। जैसे एक बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे मिली है, मतलब ये हम किसी से शेयर नहीं कर पाते कि हाउ अदर्स आर लुकिंग एट अस, कैसे लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, या मेरे आसपास जो लोग हैं, हाउ दे आर लुकिंग एट मी। तो वी समटाइम्स फील इंटिमिडेटेड बाय द एनवायरमेंट अराउंड अस, वो इंटिमिडेशन को हमें ख़त्म करना है ना, वो इंटिमिडेशन को हमें ख़त्म करना है, वो हमें अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को फ्लावर होने देना है। देखो, होना ना होना अलग बात, लेकिन तैयारी जब करें तो ऐसे पोटेंशियल से करें कि भाई दुनिया खुल जाए अपने सामने, को डर ना हो, कोई फियर ना हो, फियरलेस प्रिपरेशन, प्रिपरेशन विद जॉय, हर मोमेंट पे हम खुश होकर तैयारी करें, हर मोमेंट पे इस डर से तैयारी ना करें, मेरा तो होगा नहीं, मेरा क्या होगा, उसका प्री नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, उसका मेंस नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, ये फियर से हम चाहते हैं आज़ादी मिले। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ, ये चलता रहेगा आपके साथ थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जो मेरे साथ जुड़ेंगे लोग जुड़ते रहें, है ना। ये एक पैशन का प्रोग्राम है, जस्ट टू गिव यू सम, गिव यू इनपुट्स फॉर पॉजिटिव एनर्जी, कि आपके आसपास सारी पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाए। और जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऐसी बॉल में प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में प्रिपेयर कर रहे हैं कि नोबडी कैन स्टॉप यू। नाउ बाय प्रिपेयरिंग इन दिस मैनर, सक्सेस इज मोस्ट एमिनेंट, आप अपने आप पे बिलीव करेंगे कि यार मेरा होगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली दिस ऑब्जेक्टिव। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं है आपको कि सिंपली एक पैटर्न ऑफ एग्जाम बता दिया, ये किताबें पढ़ लो, ठीक है वो तो करेंगे ही हम, वो तो एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं फोकस तरीके से नहीं मिलती फ्रॉम सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज़ देना भी मेरा काम है आपका। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ मेंटरिंग, इट्स रियल अ मेंटरिंग थिंग, ये मेंटरिंग प्रोग्राम है ये, नॉट ओनली जस्ट एक सिर्फ गाइड वाली बात नहीं है, ये मेंटर है, राइट। चलिए आगे, अब देखते हैं कि कौन कौन से ये नॉन फैक्टर्स आपके फैक्टर्स हैं जो, फर्स्ट आपका फैक्टर आता है कंसंट्रेशन, ये मैं यहां बताऊंगा, आई विल बी स्टेटिंग अ प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस एट दिस स्टेज, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, देन यू विल थिंक अबाउट इट, आप सोचोगे कि हाँ ये फैक्टर्स आप प्रॉब्लम फेस
कर रहे हो या कर सकते हो फ्यूचर में, एंड देन वी विल होल्ड स्पेशल लेक्चर्स फॉर दिस, जैसे हाउ टू इम्प्रूव कंसेंट्रेशन, इसका लेक्चर करेंगे बाद में हम, राइट। लेकिन आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो हो कि हाँ एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है लेकिन हमें पता नहीं लगता हमें प्रॉब्लम है, एंड वी कैप टू कीप ऑन वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। पहले आइडेंटिफिकेशन करें कि हाँ यार ये मुझे प्रॉब्लम है, इज़न्ट इट, बात ठीक है गलत है, वो मैं इंडिकेटर्स आपको आज बताने वाला हूं कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या इससे मेरी एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, और क्या मुझे इसके लिए कुछ कॉन्शियस एफर्ट करने हैं या नहीं, राइट। तो इस तरह से हमें ये चीज लेके चलनी है। जैसे कंसंट्रेशन या लैक ऑफ फोकस की जो प्रॉब्लम है वो है जब आप पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट होते हो, कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप पढ़ते हुए एकदम आपको लगता है कि यू हैव गॉन समवेयर एल्स, एंड आफ्टर जब आप घड़ी देखते हो अरे 30 मिनट्स हैव पास्ड, आई वाज समवेयर एल्स, लैप्स हो गया आपको, आपको लगता है कि पता नहीं मैं कहां था, एक पूरी यात्रा कराए कहीं जाके। इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हमें लगता है कि नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज अ प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड दिस कैन बी एड्रेस्ड, कैन बी एड्रेस्ड। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्ट्रेक्शन आपका ध्यान आपके सोशल मीडिया में है, व्हाट्सएप पे है, आप रह रहे के बीच बीच में सोचते हो कि अरे कोई मैसेज तो नहीं आया मेरा, आप फेसबुक पे कोई पोस्ट तो नहीं आ गई मेरी, ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। और ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम कई बार बड़ी नेचुरल होती है, सपोज इट्स नॉट अबाउट स्टडीज ओनली। कई बार आप पिक्चर देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा हॉल, ठीक है ना, अब आप कोई कहेगा कि एट दैट मोमेंट वी डोंट फेस कंसंट्रेशन लैप्सेस, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स, यू आर वॉचिंग मूवी लेकिन एकदम लगता है फॉर 2-3 मिनट्स आई वाज समवेयर एल्स, और फिर पिक्चर देखने लग जाते हो आप। दैट मीन्स आपका कोई लैप्स हुआ, कंसंट्रेशन कहीं और गई, माइंड कहीं और गया, फिर वापस आ गया। लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज इट इज मोस्ट डैमेजिंग। ये आप प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो तो आपको इसके लिए कुछ एफर्ट्स करने हैं, और विदाउट एफर्ट्स ये प्रॉब्लम दूर नहीं होती, इतना आप समझ लो आप बात, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और इसके इंप्लीकेशन क्या होती हैं, अगर आप कंसंट्रेशन लैप्स है, आप दिन में काउंट करते हो मैंने 8 घंटे पढ़ा, लेकिन इफेक्टिव वो 8 घंटे नहीं होता, वो 5 ही होता है या 4 ही होता है, आपको लगता है मैंने 8 घंटे पढ़ा। तो इफेक्टिव रीडिंग क्या है, इफेक्टिव स्टडीज क्या है, इफेक्टिव स्टडीज आर स्टडीज विद कंसंट्रेशन। तो हाउ टू इंप्रूव कंसंट्रेशन, दैट वी हैव टू फोकस ऑन, राइट। अब नेक्स्ट थिंग चलिए, अगली बात मोटिवेशन। पढ़ते हुए हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करनी है ना। सेल्फ डाउट, नेगेटिव एटीट्यूड, दे आर एनिमीज ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। सिंपल सा एक इसका एक इंडिकेटर है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो क्या आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो खुश हो क्या, आर यू फीलिंग जॉय, यू आर एक्सपीरियंसिंग जॉय इन प्रिपरेशन, क्या आप जॉयफुल हो पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए जॉयफुल हो, है ना। अगर आप खुशी महसूस कर रहे हो पढ़ते हुए, है ना, अंदर से आप यू हैव पॉजिटिव एनर्जी वाइल प्रिपेयरिंग, तो आपकी जो रिटेंशन है, आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, दैट डबल्स ट्रिपल्स 4 times। वहीं आप एक नेगेटिव माइंडसेट से पढ़ रहे हो कि पढ़ना पड़ रहा है यार, पढ़ना पड़ रहा है, तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर भी उतनी कम होगी। अगेन फिर इफेक्ट इसका वही होगा कि आप पढ़ रहे 10 घंटे हो लेकिन आपकी इफेक्टिव स्टडीज कम है। हमें तो यह देखना है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो वही टोटल उतने पढ़ रहे हो एक्चुअल में, देन स्काई इज द लिमिट। कि जितना टाइम हम लगाएं, बैठे तो हैं ना, क्यों ना हम ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करें कि जितनी देर हम बैठें उतनी देर एक्चुअल पढ़ें, जब घूम फिर रहे हैं तो घूम फिर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 घंटे बैठा हूं कहने को लेकिन पढ़ाई मेरी 5 घंटे ही हो रही है, क्योंकि बीच में कंसंट्रेशन लैप्स हो गया, फिर एक नेगेटिव एटीट्यूड चल पड़ा बीच में, और हाथ मेरे 5 ही घंटे आए, और फिर हम फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं कि इतने घंटे पढ़ लिया लेकिन यही कवर हुआ बस। ये कॉमन मिस्टेक है, कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के साथ, वो कहते हैं 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन काम इतना ही हुआ है। मेरे को कई बार बच्चे आके बोलते हैं कि सर मैंने तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन ना मेरे से NCERT के 4 ही चैप्टर हुए 12 घंटे में। तो उसी वक्त हमें पता लग जाता है कि अगर NCERT के 4 चैप्टर 12 घंटे में बच्चा कर रहा है तो वो बेसिकली 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा 12 घंटे में से, बाकी तो सैर कहीं और कर करके आ गया, पढ़ते हुए 1 घंटे के लिए सैर पर चला गया कहीं,
फिर आधे घंटे के लिए सैर पे चला गया कहीं, है ना, तो एंड ही घूम फिर के बच्चा आ गया और इफेक्टिवली पढ़ 3-4 घंटे रहा। तो ये हमें देखना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, और यही नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हो, क्या आप अपने आप को ऐसा देखते हो कि यस, और एक्चुअल में क्या आप अपने आप को ऐसा देखते हो कि आई कैन बिकम, आई एम ऑफिसर। देन मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू लेट अदर्स सी यू, आप दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हो कि वो आपको कैसे देखें, आप अपनी परसेप्शन दूसरों के माइंड में क्या क्रिएट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अदर्स यहां पे कौन है, जो अदर्स मैटर करते हैं, वो आपके अदर्स हैं फैमिली, वो आपके हैं टीचर्स, वो आपके हैं फ्रेंड्स जिनसे आप फ्रीक्वेंटली मिलते हो। अब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं हमेशा, आप उनको कैसे मैसेज दे रहे हो, वो आपको अगर ये फैमिली आपको देखने लग जाए ऐसे कि हमारा बच्चा तो पक्का बनेगा, आपके टीचर्स आपकी तरफ एकदम पॉजिटिव हो जाएं कि यार ये बच्चा तो पक्का बनेगा, और ये अपने फ्रेंड्स हैं जो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि नहीं हमारा दोस्त तो बनेगा पक्का, तो मतलब दीज थ्री एलिमेंट्स दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स यू, वो आपने ही क्रिएट किया है। अगर आप 24 घंटे उनके सामने रोते रहेंगे कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरे तो नंबर नहीं आए टेस्ट में, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, तो धीरे धीरे क्या होगा, दे विल स्टार्ट लुकिंग यू डिफरेंटली। जब वो लोग आपको डिफरेंटली देखेंगे तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में नीचे जाएगा, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ दे सी यू, एंड यू मेक योर ओन परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ बाय सीइंग देम। अगर आपके फैमिली में चलते फिरते आपके माता जी पिताजी आपको दे टेलिंग यू कि बेटा मेहनत करो तुम पक्का बनोगे, तुम्हारे अंदर ये है, तो आप भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैं बन सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऐसी इमेज बनाई है अपनी, तो कहीं आपके पेरेंट्स ने आपको ये कह दिया बेटा देख लो अगर तैयारी होती है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, इमीडिएटली योर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लमेट्स, गोज इन टू द डेप्थ्स। तो ये आपके हाथ में है कि हाउ आप अपनी इमेज दूसरों के सामने कैसे बनाते हो। तो आई विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ट्रिक्स कि कैसे आपने अपने आप को मैनेज करना है, सो दैट दूसरे जो आपको देख रहे हैं वो डिफरेंटली देखें और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और फिर आपको अपने लिए क्या एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप यू ऑलवेज आर पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होगे तो यू विल प्रिपेयर एंथुजियास्टिकली, अगेन योर एफिशिएंसी ऑफ कवरिंग कंटेंट विल इंक्रीज, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, जो बीच में आपके डिप्रेशन के दौर आते हैं वो मिनिमम आएंगे, जो आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, टफ्स आते हैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान, डिप्रेशन के दौर आते हैं कि यार ये 15 दिन डिप्रेशन में गुजर गए कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, वो मिनिमाइज हो जाएंगे आपके। ऑल्दो वी विल बी देयर विद यू, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी हमें हमारा काम है कि आपके जो हिंड्रेंसेज हैं आपकी प्रिपरेशन में, नॉन एकेडमिक हिंड्रेंसेज, है ना, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हम, जिसके लिए कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हम, जिसको हम मान रहे हैं नहीं है तो ठीक ही है, वो मिनिमाइज हों। नेक्स्ट चलें सेल्फ डिसिप्लिन, अगेन विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन योर प्रिपरेशन कैन नॉट गो स्मूथली। आपके टाइम शेड्यूल्स आपने क्या बनाए, आर यू स्टिकिंग टू द टाइम शेड्यूल्स कि मैंने GS कर देनी है 2 हफ्तों में, ये सेक्शन कर देना GS का, ये मैंने इतने टेस्ट दे देने हैं, इतने MCQ प्रैक्टिस कर लेने, आर यू एबल टू स्टिक टू योर शेड्यूल्स, या आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो कि जो कभी टाइम शेड्यूल को स्टिक ही नहीं कर पाता। इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बच्चे आते हैं कहते हैं सर हमारा तो जो भी हम प्लानिंग करते हैं कभी पूरी नहीं हो पाती, अगर हम सोचते हैं शाम तक ये कर देंगे वो कभी पूरा नहीं होगा, हाँ अगर नहीं सोचेंगे तब हो जाएगा, है ना। तो टाइम शेड्यूल्स कैसे स्टिक करें, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 10 बच्चे मेरे पास आए जो कहते हैं हम टाइम शेड्यूल नहीं बना पाते, तो 10 में से 8 की रेशो है, 8 बच्चों का जब मैं टाइम शेड्यूल एग्जामिन करता हूं वो अनरियलिस्टिक होता है, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, वो अपने लिए ऐसा टाइम शेड्यूल सेट कर लेते हैं जो टोटली अनरियलिस्टिक होता है, और फिर बाद में रोते हैं कि भाई मेरा तो हुआ नहीं, फिर ध्यान दे अपना सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने से नेगेटिव एटीट्यूड आता है, नेगेटिव एटीट्यूड आने से उनको लगता है कि आई डोंट हैव कंसंट्रेशन। जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, अनरियलिस्टिक टाइम शेड्यूल। तो हाउ टू मेक रियलिस्टिक टाइम मैनेजमेंट प्लान, टाइम शेड्यूल्स, वो हम सीखेंगे, हम अपने लिए टारगेट बनाएंगे, फिर टारगेट को कैसे अचीव करके उसको छोटी सी सेलिब्रेट कैसे करना है टारगेट को,
so that give a positive message to your mind ki beta Praveen you have completed one milestone aapne ye target pura kiya ye reward aapka so that mind gets happy ki yaar main appreciate ho raha hu maine kaam kiya फिर आपके स्टडी पैटर्न क्या हैं आप कैसे बैठ के पढ़ते हो आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो पढ़ते हुए सो तो नहीं रहे कहीं पढ़ते पढ़ते सो गए पता ही नहीं लगा या अगर सो गए तो सोचा था कि 6 घंटे बाद उठ जाएंगे उठ रहे हैं 12 घंटे बाद 6 घंटे तक सोते रह रहे हैं अब सेल्फ डिसिप्लिन क्या चीज़ आई फिर आप कोई 12 घंटे सोएगा वो इसकी तय थोड़ी कर सकता है फिर क्या खा रहे हैं आप यू आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग वेरी हैवी फूड वेरी ऑयली फूड भाई ये तो काम खराब करेगा ही So this sort of things, these sort of things are very important as a part of your preparation. कई बार self-discipline ना होने की वजह से you face problems in your preparation. And you then somehow blame these things for on something other. You say कि I am not able to do hard work. I am not intelligent enough. This preparation is very difficult for me. आप non-academic factor जो आपका कारण है इन चीज़ों का उसका ब्लेम आप एकेडमिक पे करते हो मेरे पास तो गाइडेंस ठीक नहीं है मुझे पता नहीं नोट्स कैसे बनाने हैं ऐसी नेगेटिविटीज आती है जबकि सारे सोल्यूशन आपके आसपास ही हैं सारे सोल्यूशन आपके पास है जब आपके पास टीचर्स हैं आपके पास यूट्यूब है आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं तो फाइंडिंग आंसर टू एनी क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट है ना चलो आपको डाउट होता है कि यार कहीं नेट पर गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए उसके लिए हमने एक ऑथेंटिक मेंटरिंग प्रोग्राम चालू किया है यू कैन ऑल्सो मेक अ रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट भी इस प्रोग्राम में कर सकते हो कि सर इस चीज पे लेक्चर चाहिए हमारे को अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स आई हैव एडेड इनटू इट आप मैं और भी इसमें लेक्चर ऐड करूंगा है ना लेकिन उसके अलावा भी यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट कि सर वी नीड अ लेक्चर ऑन दिस आई एम फेसिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड प्लीज गिव मी लेक्चर ऑन दिस आप बिल्कुल यू फील फ्री एंड फीड हेयर टेल अस हेयर देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैनेजिंग रिलेशंस आप अपने फ्रेंड्स को कैसे मैनेज करते हो आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर योर फ्रेंड्स डिराइविंग यू आर दे वेस्टिंग योर टाइम और दे मोटिवेटिंग यू आर दे डीमोटिवेटिंग यू आर दे आर वेस्टिंग योर टाइम आर यू एबल टू मैनेज योर फ्रेंड्स कभी सोचा हमने इस बारे में कि आपके फ्रेंड्स भी कई बार आपकी तैयारी में हिंड्रेंस हो सकते हैं सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट इन द सेम वे फैमिली Sometimes your family may be a hindrance in your preparation. In last so many years, I have come across such students. They had hostile relation with parents. One student was there. He is into services nowadays. So his father was always daily telling him, "Tera kuch nahi ho sakta. You cannot succeed. You are a failure in life. This and that." And that child was so depressed. And he was not able to share this thing with anybody. He was not able to share this thing with anybody. कि माई फादर इज पुलिंग मी बैक नोइंगली और अननोइंगली बट एवरी डे ही वॉज बींग टॉर्मेंटेड सो ही हैपन टू टॉक टू मी कि सर आई एम शेयरिंग दिस इन विद ग्रेट कॉन्फिडेंशियलिटी और मेरे लिए बहुत स्ट्रेस है और आप ये बातें क्लास में करते रहते हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी समस्या का समाधान क्या है आई कॉन्ट टेल एनीथिंग टू माई फादर कि मेरे को ना बोले ऐसे वो नहीं मानते तो आई गेव हिम सम ट्रिक्स स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स एंड दैट न्यूट्रलाइज्ड व्हाट हिज फादर वॉज सेइंग And once he practiced those things, his father also started slowly and slowly stopped saying all these wrong things about him. And within 2-3 months, the whole problem was gone. And he was so liberated and he was so happy. Uski institute ke andar uski body language hi badal gayi. कहाँ उसके माइंड पे हमेशा पढ़ते हुए चलते हुए ओवर वे रहता था कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता माई पेरेंट्स आर नेगेटिव अबाउट मी मेरा तो वैसे ही कर रहा हूँ तैयारी बस मैं कहां वो सोच रहा है कि नहीं नाउ आई कैन बिकम वेरी स्मॉल थिंग्स कई बार आपके ब्रदर सिस्टर्स उनके साथ हॉस्टाइल रिलेशन होते हैं तो आपको रिलेशनशिप मैनेज करने आने चाहिए सो आई विल डेफिनेटली गिव अ लेक्चर ऑन दिस दिस इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू मैनेज योर सोशल एनवायरमेंट अराउंड यू यू कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली आप प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर सकते हमेशा नेगेटिविटी कुछ ना कुछ टेंशन स्ट्रेस आते रहेंगे एंड यू विल फील अपना डिजेक्टेड एवरी टाइम है ना तो ये है नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डू यू हैव दैट इन यू आपके सामने चॉइसेस आती हैं क्या आप डिसीजन ले पाते हो या ऑलवेज यू आर डिपेंडिंग अपॉन अदर्स टू टेक डिसीजंस आपको बुक मिल गई एक किसी ने बोल दिया ये किताब पढ़ लो क्या डिसीजन आप खुद ले रहे हो या यू आर टेलिंग सम अदर पर्सन टू
आपने ऑप्शन क्या रखना है, क्या ऑप्शन आप में दम है खुद डिसाइड करने का, या ऑलवेज यू वांट समबडी कि आपके लिए को डिसाइड कर दे, नोट्स कैसे बनाने हैं भाई, मेंस का टेस्ट देना है, आंसर कैसे लिखना है, एवरीथिंग आर वी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स और वी हैव मेड अवरसेल्फ्स कैपेबल एनफ टू टेक डिसीजंस। करना किसने है तैयारी, आपने करनी है। अगर आपने तैयारी करनी है ये, तो आप ये समझ लीजिए कि डिसीजन भी आपको लेने हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसे डेवलप करनी है वो हमें चाहिए। ये कोई एक महीने की, दो महीने की, तीन महीने की तैयारी नहीं है। आज मैं आपको कह रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, कल को फिर आपको ना कोई आपको डिमोटिवेट कर देगा। क्या आप डिमोटिवेट होना चाहते हो या नहीं, ये आपके हाथ में। क्या आप डिसीजन ले सकते हो कि मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, मैंने नहीं बात करनी इससे। मेरा काम आपको एम्पावर करना है, मेरा काम आपको स्पून फीड करना नहीं है। मेरा काम को आपको ऐसा बनाना है कि आज से छह महीने बाद भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप एक ठीक तरीके से, ठीक प्रोसेस से, रैशनल तरीके से डिसीजन लो, विदाउट अ फियर, विदाउट अ फियर। सो दैट इज, एंड इन यूपीएससी प्रिपरेशन इतना सारे फैक्टर्स हैं कि आपको मूवमेंट, हर मूवमेंट पे, हर वीक, हर मंथ में डिसीजन लेने पड़ते हैं। और होता क्या है कि हम अपने डिसीजन दूसरों पे छोड़ देते हैं और दूसरा हमारे को जानता नहीं, वो कुछ भी आपको कह देता है। ही डजंट नो अबाउट यू कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। डिसीजन तो अल्टीमेटली आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लेने हैं ना, है ना, कि मुझे क्या करना है। बात यह कि हम कई बार कैपेबल भी नहीं बन पाते हैं अपने आप को, कैपेबल नहीं, हम दूसरों से पूछते रहते हैं, सर मैं ये पीसीएस दूं या आईएएस दूं, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं मतलब ठीक है। सी द क्वेश्चन शुड बी राइट, व्हेनेवर यू आस्क समबडी अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन शुड शो दैट यू हैव अ कैपेसिटी टू टेक अ डिसीजन। यू आर जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट द फैक्टर विच यू डोंट नो, यू आर नॉट आस्किंग अदर पर्सन टू टेक डिसीजन। अगर कोई मेरे से पूछता है सर मैं इस वक्त पीसीएस की तैयारी करूं या आईएएस की करूं, दैट ही इज आस्किंग फॉर मी अ डिसीजन, जो उसका आंसर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आपका नहीं पता। जब तक मैं आपको जान नहीं लूंगा, आपसे बात नहीं कर लूंगा, मैं आपको डिसीजन कैसे दे सकता हूं, और क्यों आपको मेरा डिसीजन चाहिए। आप मेरे से फैक्टर पूछो, आप मेरे से राइट क्वेश्चन पूछो और डिसीजन खुद लो, और डिसीजन लेने के बाद मुझे बताओ कि सर ये मैंने डिसीजन लिया है, इज इट राइट, आप क्या समझते हो उसके बारे में, जस्ट टू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ क्या पता सर कोई और फैक्टर बता दें। ये असली मेंटरिंग प्रोग्राम है, रिमेंबर, आई डोंट वॉन्ट टू स्पून फूड यू, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ परफॉर्मर, रिमेंबर, आई डोंट मीन टू, क्योंकि आजकल वही चलता है। बट आप ये समझिए कि आपको डिसीजन लेना है, फैक्टर्स आपने मुझसे पूछने हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से भी पूछने हैं। जब डिसीजन ले लिया, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सेल्फ डाउट आ रहा है तो आपने उसको वेट करा लेना है बस, लेकिन डिसीजन किसने लिया, आपने। और अगर डिसीजन आपका गलत भी प्रूव हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि यस मैंने डिसीजन लिया था, इसमें यह फैक्टर मैंने मिस कर दिया, आगे से मैंने गलती ये नहीं करनी है। कोई बुक पढ़नी या नहीं पढ़नी, नोट्स पढ़ने या नहीं पढ़ने, ये आपको हर मोमेंट पे डिसीजन लेने हैं। एंड ये डिसीजन मेकिंग पावर इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग इन योर प्रिपरेशन, जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। आप जो सारे मैंने फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप मन से सोचो कि क्या कभी आपने हैव आई ओवर एवर थॉट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, कि ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना। हैव यू इन्वेस्टेड एनी टाइम फॉर दीज फैक्टर्स, हैव यू टेकन एनी ट्रेनिंग फॉर प्रिपरेशन टू प्रिपेयर, फॉर प्रिपेयरिंग टू प्रिपेयर। ये बेसिकली फैक्टर्स क्या है, प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, है ना। ये फैक्टर कौन से है, प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, कि क्या मैं इफेक्टिव प्रिपरेशन के काबिल हूं, डू आई फील द नीड। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें मैटर करती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, स्टे विद मी, है ना, ये स्टे विद मी एंड जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ द लेक्चर्स विच आर कमिंग फॉरवर्ड, और जिसमें हम एक एक चीज धीरे धीरे मिक्सिंग इट विद एकेडमिक फैक्टर्स, कभी एकेडमिक करेंगे कभी नॉन एकेडमिक करेंगे, हम चलते जाएंगे, राइट। सो दिस प्रोग्राम विल गो थ्रू आउट द ईयर, मेंटरिंग प्रोग्राम आपका चलेगा बिल्कुल, और चलता रहेगा ये मेंटरिंग प्रोग्राम आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रिपेयर, है ना, टू गिव योर होल एनर्जी सो दैट यू डोंट हैव एनी रिग्रेट इन दी फ्यूचर कि यार मेरे को ये पता लग जाता तो डेफिनेटली आई कुड हैव इम्प्रूव्ड, है ना। अब ये मेरा लेक्चर कोई ऐसा बच्चा सुने हु कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स,
बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स, या ऐसी कोई उसको समस्या थी, तो ही विल, उसको लगेगा कि यार मैं पहले ये लेक्चर सुन लेता तो मैं हो सकता कुछ रेमेडी मेरे को मिल जाती. एंड रिमेंबर थिंग, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर. सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट. आप कभी ये मत सोचें कि यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है. नो, बिना सोल्यूशन के प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती. इस रियलिटी में, इस एनवायरनमेंट में पहले सोल्यूशन पैदा होता है, फिर क्वेश्चन पैदा होता है. सोल्यूशन है पहले से, सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन को जन्म देती है. दैट इज माई बिलीफ, दैट इज माई एक्सपीरियंस. तो इसलिए, सो दीज आर द नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, जो आपने, यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग. हम हर आस्पेक्ट पे आपके लिए लेक्चर अलग से लेने आएंगे. एंड यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू लिसन टू दिस लेक्चर विद अ होल कंसंट्रेशन एंड एडमिट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज एडमिशन ऑफ अ प्रॉब्लम इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन. जब तक आप प्रॉब्लम को एडमिट नहीं करते, तब तक सोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता. ये आपने समझ लेनी है बात. यू हैव टू ऑलवेज थिंक दिस थिंग. ठीक है जी, तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम. कल नहीं मिलेंगे हम, कल आई एम गोइंग समवेयर आउट ऑफ स्टेशन. तो परसों हम इस मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए मिलेंगे. आप अपने शेड्यूल में चेक कर लीजिए, आपको मेल भी आ जाएगी. ठीक है, और ये जो लेक्चर है सारे, ये सारे यूट्यूब पे हमारे वीडियो चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है इन ए सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर्म. यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑल्सो. और वहाँ पे और भी लेक्चर हम डालने वाले हैं आगे, करंट अफेयर्स के, मेंस आंसर राइटिंग के. तो बहुत सारा वो एक्टिव होने वाला चैनल, अभी तक हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे वहाँ पे, बट नाउ इट विल बी वेरी एक्टिव इन फ्यूचर. ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करें बटन और बेल आइकन का बटन दबाएं, सो दैट आपके पास डबल नोटिफिकेशन आ जाए, कभी कोई चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपको नोटिफिकेशन आएगी, इफ़ यू फील इंटरेस्टेड कि हाँ ये मुझे सुनना है, तो आप सुन लें, नहीं तो ना सुने, है ना. तो लेकिन ऐसे हम कई चीज़ें आने लग जाएंगी अब. सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन फ्राइडे अगेन विद द नेक्स्ट part of this mentoring. Thank you. Thank you very much.